और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सनसनीखेज मर्डर की, जिससे दहल गई है दिल्ली। जी हाँ, मर्डर की कहानी ऐसी कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक युवक ने रात में अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया। गर्लफ्रेंड के शव को अपने ढाबे के फ्रिज में छिपाकर अगले ही दिन दूसरी लड़की से शादी रचा ली। किसी अनजान सूचना पर चार दिन बाद कत्ल का खुलासा हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लड़की का शव बरामद कर लिया। एक और सनसनीखेज हत्याकांड से दहली दिल्ली। रात में गर्लफ्रेंड का मर्डर, अगले दिन शादी। शव को ठिकाने लगाने के लिए फ्रिज में छिपाया। वैलेंटाइन डे से पहले लव स्टोरी बनी हेट स्टोरी। तस्वीरों में ये जोड़ी कितनी परफेक्ट लग रही है। साहिल गहलोत की बाहों में निक्की यादव। दोनों ने कभी साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन जिस शख्स पर निक्की ने भरोसा किया वही बन गया उसका कातिल। तो आप देख पा रहे हैं साहिल जो फिलहाल क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है, खामोश है, कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन इस हत्याकांड का खुलासा क्राइम ब्रांच ने फिलहाल कर दिया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। लड़की का शव पुलिस बरामद कर चुकी है। अब वारदात की वजह जान लीजिए। निक्की से प्रेम की कस्में खाने वाला साहिल गहलोत घर वालों की मर्जी से 10 फरवरी को शादी करने जा रहा था। 9 फरवरी को निक्की को कहीं से इसकी भनक लग गई तो उसने साहिल पर मिलने का दबाव बनाया। कश्मीरी गेट ISPT के पास सचिन की कार में दोनों की मुलाकात हुई। फिर क्या हुआ ये दिल्ली पुलिस से सुनिए। 9 तारीख को साहिल की मंगनी थी जो किसी और के साथ तय हो गई थी, 10 तारीख को शादी थी। ये बात जब निक्की यादव को पता चली तो उन्होंने साहिल को कन्फ्रंट करने के लिए उसे बुलाया। 9 और 10 की रात को साहिल की गाड़ी में दोनों की मुलाकात हुई। उस दौरान बहस हुई उनके आपस में और बहस के दौरान साहिल ने अपने मोबाइल फोन के केबल से निक्की यादव का गला घोटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसके शरीर को छुपाने की नीयत से उन्होंने उसकी डेड बॉडी को, उनके खेतों में एक छोटा ढाबा था उनका, उसमें फ्रिज में उनकी डेड बॉडी को कंसील कर दिया। ये वो ढाबा है जहाँ शव को फ्रिज में छिपाया गया था और यही है वो फ्रिज जिसमें साहिल ने अपनी प्रेमिका की लाश रखी। फ्रिज के साथ खड़ा आरोपी साहिल नजर आ रहा है। इसके बाद 10 फरवरी को ही साहिल गहलोत ने शादी भी कर ली थी। ये मामला दिल्ली के बाबा हरिदास नगर थाने इलाके का है। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली 22 साल की निक्की और दिल्ली के मित्राओं गांव का रहने वाला 24 साल का साहिल एक दूसरे को 2018 से जानते थे। दोनों की मुलाकात उत्तम नगर इलाके में कोचिंग के दौरान हुई। मुलाकात जल्द प्यार में बदल गई। बताया जाता है कि दोनों कुछ दिनों तक लिव इन में भी रहे। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि साथ साथ मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून समेत कई जगहों पर घूमने गए। जरा सोचिए कितना सनसनीखेज है। जिस लड़की के साथ इतना गहरा रिश्ता उसी का कातिल बन गया। सवाल उठता है कि क्या साहिल का इरादा शव के टुकड़े टुकड़े कर धीरे धीरे उसे ठिकाने लगाने का था, जैसा मेहरौली में श्रद्धा वालकर के साथ उसके प्रेमी आफताब ने किया था। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के DCP सतीश कुमार से बातचीत की मेरे सहयोगी हिमांशु ने, सुनिए इस बातचीत के अंश। वेस्टर्न रेंज क्राइम ब्रांच के सदस्य ASI सुरेश की इन्फॉर्मेशन थी। इंस्पेक्टर सतीश और ACP राजकुमार साहब के नेतृत्व में टीम तैयार करी गई थी। साहिल गहलोत को अरेस्ट करके उनसे गहन पूछताछ करी। पूछताछ के बाद हमें पता चला कि साहिल और निक्की यादव
2018 से एक दूसरे को जानते थे। 9 तारीख को साहिल की मंगनी थी जो किसी और के साथ तय हो गई थी, 10 तारीख को शादी थी। ये बात जब निक्की यादव को पता चली तो उन्होंने साहिल को कन्फ्रंट करने के लिए उसे बुलाया। 9 और 10 की रात को साहिल की गाड़ी में दोनों की मुलाकात हुई। उस दौरान बहस हुई उनके आपस में और बहस के दौरान साहिल ने अपने मोबाइल फोन के केबल से निक्की यादव का गला घोटकर हत्या कर दी। और हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस पूरे मर्डर को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं श्रद्धा से काफी मिलता जुलता है, लेकिन खुलासा इसका कैसा हुआ, कैसे लाश की बरामदगी हुई, इसके बारे में क्या डिटेल्स मिल रहे हैं? देखिए, खुलासा इसका ऐसा हुआ कि जब निक्की के फैमिली वाले निक्की से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 9 से 10 की रात में निक्की की कश्मीरी गेट इलाके में कहीं पर कार के अंदर हत्या की गई थी और उसके बाद उसको यहां पर जो ये ढाबा है, ये मित्राओं गांव का, आप देखिए इस ढाबे में जो फ्रिज था उसमें ला करके यहां पर बॉडी उसने छिपा दी थी। अब चूंकि निक्की के फैमिली वाले उसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से संपर्क किया। उस जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने निक्की के मोबाइल को ट्रैक करने की कोशिश की तो जिस जगह पर निक्की का मोबाइल जाकर के बंद हुआ था, उसके बाद उन्होंने देखा कि निक्की का मोबाइल कब ऑन नहीं हुआ और किसी तरीके की कम्युनिकेशन नहीं हुई। फिर इसके बाद पुलिस ने जब निक्की के मोबाइल की डिटेल निकाली तो उसके गहलोत के बारे में पुलिस को पता लगा और पुलिस ने जब साहिल गहलोत के बारे में और इंफॉर्मेशन निकाली और उसकी मोबाइल डिटेल निकाली तो फिर पुलिस की टीम यहां पर, आप ये देखिए, ये जो बाहरी दिल्ली का जो इलाका है मित्राओं गांव, ये ढाबा आमतौर पे ये बंद ही रहता है, ये पूरा टीन शेड टाइप का इलाका है। अंदर दिखाने की हम कोशिश करते हैं आपको, ये जो देखिए यहां पर बंद कर दिया है पुलिस ने। इस जगह पर एक फ्रिज था, उस फ्रिज में ला करके उसने बॉडी को छिपा दिया था। क्योंकि 10 तारीख की शादी थी इसलिए आगे उसकी जो योजना थी अभी पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन जिस तरीके से उसने अभी तक की जो उसकी मॉडस अप्रेंटी थी, जिस तरीके से उसने बॉडी छिपाई थी, अंदेशा इसी चीज का है पुलिस को कि कहीं ना कहीं शादी के बाद जब उसे मौका मिलता वो मौका लगा के आता और हो सकता है कि वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए वही तरीके अपनाता जिस तरीके के तरीके शायद अब आफताब ने अपनाए थे। तो इस पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन अभी आगे बढ़ा रही है, पूछताछ की जा रही है साहिल गहलोत से लगातार और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आगे उसकी क्या साजिश थी और इस पूरी साजिश में उसके अलावा और कोई शामिल तो नहीं था, उसने और किसी को लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने साथ मिलाने की कोशिश तो नहीं की थी। तो ये सारी जो ये एंगल है इस एंगल पे अभी पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका हिमांशु। अब खबर कानपुर देहात में मां बेटी की सनसनीखेज मौत की, क्योंकि अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान झोपड़ी में जलकर मां बेटी की कल मौत हो गई थी। कानपुर में थोड़ी देर में मृतका का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मां और बेटी का शव कानपुर देहात के रूरा थाना इलाके में उस जगह लाया गया है जहां सोमवार को दोनों की मौत हुई थी। मृतका का परिवार अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ था, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मृतका के परिवार से बात की, उनके आश्वासन के बाद ही परिवार शव लेने को तैयार हुआ। तो मृतका का परिवार अपनी मांगे पूरी होते हुए ही शव लेने को तैयार हुआ है। कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मृतका के बेटे शिवम से बातचीत की और उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया। हेलो, नमस्ते सर, हमारे साथ, हम इस गांव में हैं सर, और हमारे साथ परिवार के जो है जो बेटे हैं शिवम है और दूसरा छोटा बेटा अंश है सर जी, और शिवम के पति जी भी है, बच्चे भी है सर जी। मैं शिवम को मैं दे रहा हूँ सर, तो बात करेंगे सर। हेलो, हाँ शिवम, ये घटना बहुत दुखी करने वाली है, हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं, हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं, जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं, सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर FIR दर्ज हो गई है 302 की, हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे, तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है, ठीक, घबराना एकदम नहीं, और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरतापूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, बिल्कुल
तुम अपने आप को ये मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना, एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे, जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, और जो जो दोषी हैं उनकी पुश्ते भी याद करेंगे, इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे, आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो, हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता, बहुत दुखद घटना है, और जितने भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे, और हर स्थिति में हम रहेंगे, और माता जी का हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को, जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया, हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। तो डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की इस बातचीत के बाद परिवार शव लेने को तैयार हो गया, क्या बोला मृतका का पुत्र और कानपुर पुलिस कमिश्नर, सुनिए। मैंने उनसे कहा था मुझे सीएम साहब से मुलाकात कराइए और जो भी अपराधी हैं उनको त्वरित मतलब तुरंत जेल में या जो भी उनके साथ खिलाफ कार्रवाई जो है उसे तुरंत करवाइए, उसके बाद जो हमारा हमें आवाज़ दिलाइए और जमीन का पट्टा कराइए और सरकारी नौकरी दिलाइए और 1-1 करोड़ का मुआवजा राशि हम दोनों भाइयों को अलग अलग दिया जाए, उसके बाद पापा को पेंशन। तो दोनों जो है भाई है इनके और दोनों भाइयों को भी जो है वो गनर की व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाएगी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, गांव में भी PSC जो है उसमें लगाई जाएगी, जो क्योंकि परिवार बहुत गरीब है और भूमिहीन परिवार है तो इनको भी जो है वो पट्टे के लिए आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है, जो भी यहाँ पे जमीन अवेलेबल है दोनों को जो है पट्टा उनको उपलब्ध कराया जाएगा, ये प्रोसेस जो है शीघ्र ही शुरू कर दी जाएगी। तो कानपुर के इस पूरे विवाद में यूपी में राजनीतिक रंग भी ले लिया है, चूंकि मृतका ब्राह्मण परिवार से थी इसीलिए इसे जातीय रंग दिया जा रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है ब्राह्मणों को निशाना बनाकर चुन चुन कर मारा जा रहा है। क्या अतिक्रमण हटाने के लिए सिर्फ वही परिवार बचा था जहां पर ब्राह्मण बस्ती थी, जहां ब्राह्मण परिवार था, क्या प्रदेश में अतिक्रमण शून्य हो गया है? तो ये सीधे तौर पे सरकार की एक सुनियोजित तरीके से साजिश है। मैं समझता हूँ सवाल इसका नहीं है कि जात कौन थी, सवाल ये घटना कितनी दर्दनाक घटना घटी और किसकी लापरवाही है। आप बुलडोजर लेकर के पहुंच जाएंगे, किसी भी घर पहुंच जाएंगे, कोई नोटिस नहीं देंगे, कोई सूचना नहीं देंगे। बताइए वो ब्राह्मण पीड़ित गरीब परिवार जो बकरी पाल करके अपना जीवन जीता था, तन पर पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, आपने कोई नोटिस नहीं दिया। आज ये मैं समझता हूँ कि छोटी घटना नहीं है, देश की बड़ी घटना है जब एक माँ और बेटी को धू धू करके जलना पड़ा। और अब बात बागेश्वर में लगे धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार के बारे में। MP के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में धार्मिक महाकुंभ लगा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री में आस्था रखने वाली बड़ी तादाद में लोग यहां जमा हुए हैं। तस्वीरें देखिए, अंदाजा आपको हो जाएगा किस तरह आस्था का ये सैलाब उमड़ा हुआ है। ये बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार, बागेश्वर सरकार यानी MP के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम में 13 फरवरी से धार्मिक महाकुंभ चल रहा है। कल धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में पेशी का दिन था। पेशी के दिन का मतलब भक्तों के साथ बाबा की मुलाकात का दिन। तस्वीरें देखिए किस तरह दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में आप देखिए दरबार एक बार फिर से सज गया है। आज पेशी का दिन है और आपको बताएं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। बागेश्वर धाम महाराज के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लेने वाले देखिए अपने भक्तों से मिलके जो महाराज हैं वो मंच पर पहुंच गए हैं। यहीं पे बैठ करके उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, अर्जी जो लोगों ने लगाई थी आज उनकी पेशी हुई। और अब आपको बता दें कि 2 दिनों तक पूरा दरबार लगना है। इन तस्वीरों से साफ है कि पिछले दिनों अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्थान और दूसरे मशहूर माइंड रीडरों ने धीरेन्द्र शास्त्री पर जो इल्जाम लगाए थे उसका उनके भक्तों पर कोई असर नहीं है।
बागेश्वर सरकार में उनकी श्रद्धा अपरंपार है। दर्शन हो गए? हाँ दर्शन हो गए, सामने हो रहे थे सब। पहली बार आया? पहले भी आते? पहली बार नहीं, 42 बार हो चुका हूँ। 42 43 बार हो रहा हूँ जी। अच्छा, आप कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली? आप दिल्ली से आए? क्या वजह थी जो आप लोग इतने दूर से यहाँ पहुँचे? मैं चेन्नई दूर से आए। आपकी कोई समस्या थी? हेलो, मैं खुद चेन्नई हूँ। दूर हो गई? मुलाकात हुई? दर्शन हुए? मुलाकात नहीं हुई सर, मैं हर हफ्ते आता हूँ, मैं हर हफ्ते दिल्ली से आता हूँ। दिल्ली से सर, मैं फतेहपुर जिला से संदीप सिंह, मेरे माइंड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे सारे काम हो गए बिना अर्जी लगे। जय हो बालाजी की। बालाजी सरकार की जय हो। इस महिला को देखिए, मोनालिसा भद्र ओडिशा से आई है और अपने साथ 3 बंदरों को भी लाई हैं। उनके मुताबिक इन बंदरों को उन्होंने रेस्क्यू किया है। मेरा नाम मोनालिसा भद्र है, मैं ओडिशा से आई हूँ। ओडिशा से यहाँ आई जी? और ये 3 वानर, ये पूरे परिवार लेके आए हैं? हाँ, वो हमने इनको रेस्क्यू किया है। हम लोग जानवर को खाना खिलाते हैं, तो हमने इनको रेस्क्यू किया है। छोटे छोटे बच्चे, उनकी माँ मर गई है, तो ये हमारी बात। यहाँ क्यों लेके आई है? हमने तो बाबा जी के दर्शन के लिए आए हैं। वो गए दर्शन हुए? नहीं, बाबा जी ने बोला दर्शन हुए, वो बोले बाद में मिलेंगे हमसे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने धार्मिक महाकुंभ लगाया है। इस महाकुंभ में एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ भी आ चुके हैं। हम ऋषि परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मांगते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा, तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बागेश्वर सरकार में लोगों की आस्था की एक और तस्वीर देखिए। बागेश्वर धाम का पंडाल श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है। इससे पहले की तस्वीर देखिए। बागेश्वर धाम के लिए सबसे करीबी रेलवे स्टेशन दूरियागंज के पास रेल पटरी पर चलते हुए श्रद्धालु बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। छतरपुर का सारा रास्ता मानो बागेश्वर धाम की तरफ जाता हो। इन रास्तों से जब लोग धाम पहुंचे तो फिर देखिए वहां का दिव्य नजारा। रवीश पाल सिंह, छतरपुर, एमपी, आज तक। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, ये देखिए, बाबा का बार बार हिंदू राष्ट्र बनाने का जो ये राग है वो हर इनके धर्म सभा में दिखाई देता है, लेकिन जो लोगों की आस्था का सैलाब है वो किसी भी राज्य में चले जाएं वहां पर कम होता नहीं दिखता। किस तरीके की तस्वीरें आपने देखी और बाबा से बातचीत में इस बार हिंदू राष्ट्र के अलावा और क्या कुछ वो कह रहे थे? देखिए, बाबा से अभी ज्यादा बात तो सामने नहीं हो पाई है नेहा, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जो आपने बात कहा बताई अभी कि किसी भी राज्य में चले जाएं, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, जो कि उनका अपना गृह राज्य है, कोई कमी नहीं आई है उनके चाहने वालों में, उनके जो श्रद्धालु हैं उनमें, उनके भक्तों में। आप यकीन नहीं करेंगे कि कल जब हम यहाँ मौजूद थे तो कल मंगलवार का दिन था। मंगलवार सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है क्योंकि हनुमान जी का मंदिर है बागेश्वर धाम में, बालाजी का मंदिर है, तो पेशी उसी दिन लगती है। तो कल लाखों की संख्या में लोग आए थे और ये समझिए कि जगह छोटी पड़ गई थी उस गड़ा गांव में जहां पर ये धाम है। तो गांव के बाहर क्योंकि पूरी व्यवस्था की गई है, क्योंकि 7 दिनों तक का पूरा आयोजन होना है, उस जगह पे लोग थे। कल जो पुलिस प्रशासन से हमारी बात हुई है उसके मुताबिक कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग कल उस छोटे से गांव में पहुंचे हैं, जिसकी कुल आबादी गिनती की 500 होगी। आप उससे अंदाजा लगाइए कि इतने छोटे से गांव में इतनी बड़ी संख्या कल पहुंची है और वहां पर किसी भी तरीके की कोई अनहोनी नहीं हुई, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बना रहा। तो इसके लिए भी पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो इस बात के लिए मान रहा था कि जिस तरीके से भीड़ बढ़ती जा रही है आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ने वाली है। यही दर्शा रही है कि बाबा के लिए श्रद्धालुओं का तांता वहां लगा हुआ है और अब ये 19 फरवरी तक जारी रहने वाला है। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे पिछले 21 घंटे से दिल्ली और मुंबई के बीबीसी दफ्तरों में आयकर विभाग की टीम डटी हुई है।
सूत्रों के मुताबिक टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी दफ्तर में तलाशी अभियान चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सर्वे 3 दिन तक जारी रहेगा। कल दोपहर करीब 12 बजे आयकर विभाग की टीमें बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में पहुंची थी। बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग में धांधली का आरोप लगाया गया है। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। अमित, ये कहा जा रहा है कि टैक्स अनियमितता के चलते इस तरह की कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये विपक्ष का आरोप है कि ये दरअसल एक सुनियोजित साजिश है, बीबीसी को दबाव में सरकार लाना चाहती है और यही वजह है कि कल अपने बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बीजेपी को करनी पड़ी। बिल्कुल, यहाँ देखिए, एक तरफ जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई इस वक्त बीबीसी के दफ्तर में चल रही है, जहां हम लोग खड़े हैं 5वें और 7वें माले पे, यहां पे दिल्ली का दफ्तर है और ये भारत का सबसे बड़ा दफ्तर है बीबीसी का, यानी कि कहा जाए तो इंडिया हेडक्वार्टर्स के तौर पे भी इसको हम लोग देख सकते हैं। यहीं पे जो हेड ऑफ लैंग्वेजेस हैं बीबीसी की इंडिया में, उनका भी दफ्तर यहीं पे लोकेटेड है। कल 12:56 से ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई थी और आज तक को ये खबर भी मिली थी कि किस तरह से अंदर जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी पहुंचे थे तो उस वक्त बीबीसी के इंडिया एडिटर्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के बीच नोकझोंक हुई थी, बहस हुई थी और असल में जो पूरा बहस का मामला था वो इस बात तक पहुंच गया कि बीबीसी के एडिटर्स का कहना था कि वो किसी भी एडिटोरियल कॉन्टेंट को हाथ लगाने नहीं देंगे आईटी ऑफिशियल्स को। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो हमें सोर्सेस ने कंफर्म किया है वो ये है कि बीबीसी का एक कर्मचारी उस हर कंप्यूटर के साथ खड़ा रहा जिसको आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने चेक किया था और कुछ कीवर्ड्स को देखा जा रहा था। और आप सही कह रही है नेहा कि एक तरफ जहां ये कार्रवाई चल रही है वहीं विपक्ष की तरफ से सरकार पर लगातार हमला किया जा रहा है। नेहा बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपसे तमाम जानकारी लेंगे। इस बीच विपक्ष लगातार हमलावर है, सरकार भी फ्रंट फुट पर है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार ने अपना पक्ष रखा, सुनिए। उनका धर्म वो निभाएं, हमारा धर्म हम निभाएंगे। हम विपक्ष की पार्टी हैं, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार बनता है कि जांच हम कराएं, जांच की मांग कराएं। हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वो बीबीसी के पीछे पड़े हुए हैं। इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहाँ पर सर्वेस करता है और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है जब ये इनकम टैक्स विभाग का सर्वे पूरा होगा वो जानकारी पूरी आपको डिटेल में दे देंगे। और कोई भी देश में न्याय से ऊपर तो या हमारी जो कानून व्यवस्था है उससे ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। विश्व में पहली बार बीबीसी के 100 साल के इतिहास में उन पर इस प्रकार की कोई छापामारी और रेड हुई है। और उनका कसूर क्या था? उन्होंने एक गुजरात के दंगों की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें कि सभी का पक्ष रखा था। बीबीसी पर आयकर विभाग नियम अनुसार संविधान के तहत कार्रवाई कर रहा है और जब ये कार्रवाई चल रही है इसके ऊपर जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया आने का सिलसिला जारी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये हर भारतीय के लिए एक चिंता का विषय है।
उसका प्रदर्शन न होने दे। काफी विवाद हुआ, पर हिम्मत कैसे कोई सच दिखाए या सच के आसपास जाए। मोदी सरकार ने आज सुबह से, कल जैसे ही खत्म हुई संसद, आयकर के छापे पड़ना शुरू हो गए। ये जो आयकर इनकम टैक्स रेड है बीबीसी के ऊपर, ये टाइमिंग लेकर थोड़ा क्वेश्चन है। ये क्या नॉर्मल प्रोसेस है आईडी का, या एक विंडिक्टिव प्रोसेस है उस डॉक्यूमेंट्री के लिए? पीएम मोदी पर आई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर पहले ही सियासी तनातनी है। विपक्षी दल इसी बहाने पीएम मोदी को घेर रहे हैं, वहीं बीजेपी नेता और हिंदूवादी दल बीबीसी के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। इस बीच बीबीसी के दोनों दफ्तरों में आयकर विभाग ने टैक्स से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला और बीजेपी नेताओं ने विपक्ष के हमलों के जवाब में मोर्चा संभाला। जब ये कार्रवाई चल रही है, इसके ऊपर जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया आने का सिलसिला जारी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये हर भारतीय के लिए एक चिंता का विषय है। बीबीसी पर आयकर विभाग नियम के हिसाब से कार्रवाई कर रहा है। इस एक्शन के बीच बीजेपी बीबीसी को सबसे भ्रष्ट कॉरपोरेशन बता रही है, तो विपक्षी इस कार्रवाई को तानाशाही का संकेत बता रही है। बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बीबीसी दफ्तर पर आईटी विभाग के एक्शन को लेकर पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, बीबीसी पर छापे की खबर वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। आम आदमी पार्टी जैसे दल भी सरकार पर प्रेस की आजादी पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। बीबीसी के सर्वे को लेकर सरकार पर हल्ला बोल रहे हैं। बीबीसी का जो इतिहास है, कलंकित काला द्वेष भावना से भारत के खिलाफ कार्य करने का रहा है। मोहब्बत करिए, इतनी नफरत से भरकर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। वैलेंटाइंस डे पे हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी को एक मोहब्बत का संदेश है, थोड़ी मोहब्बत करिए, थोड़ी मोहब्बत फैलाइए। इतनी नफरत से आप कुछ हासिल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को और दुनिया के अलग अलग संस्थाओं को, इस देश की छवि जो है उनके सामने खत्म कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीबीसी के कर्मचारियों के फोन जब्त किए गए हैं, साथ ही करीब 20 और जगह छापे मारे गए हैं। साफ है कि आयकर विभाग की इस कार्रवाई पर गरमाई सियासत जल्द शांत होने वाली नहीं। इस सर्वे को लेकर अभी कई तीखे सवाल उठेंगे। इसी बहाने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों के हमले और तेज होंगे। मुंबई से दिव्येश सिंह, दिल्ली से मिलन शर्मा और पंकज मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक।